नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी के बारे में जो हमारे देश में बहुत ही आम है, लेकिन अगर इसका सही समय पर इलाज और बचाव न किया जाए तो ये जानलेवा भी हो सकती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मलेरिया की। इस वीडियो में हम जानेंगे कि मलेरिया कैसे होता है, इसके इलाज के तरीके और इससे बचने के उपाय क्या हैं। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो दोस्तों, सबसे पहले ये समझते हैं कि मलेरिया होता कैसे है। मलेरिया एक परजीवी संक्रमण है जो एक विशेष प्रकार के परजीवी पैरासाइट प्लास्मोडियम के कारण होता है। जब मादा एनाफिलीज मच्छर मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति को काटती है तो प्लास्मोडियम परजीवी उसके खून के साथ मच्छर के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। फिर जब यह मच्छर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटती है तो मच्छर के लार के साथ ये परजीवी स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में घुस जाते हैं। शरीर में घुसते ही ये सबसे पहले लीवर की तरफ जाते हैं। लीवर में ये कुछ दिनों, हफ्तों या कभी कभी एक साल तक चुपचाप रहकर अपनी संख्या बढ़ाते रहते हैं। इसके बाद ये लीवर से निकलकर हमारे खून में मिल जाते हैं और रेड ब्लड सेल्स पर हमला करते हैं, जिससे बड़ी मात्रा में रेड ब्लड सेल्स नष्ट हो जाती है। इस कारण शरीर में जहरीले पदार्थ बनने लगते हैं, जिससे हमारी इम्यून सिस्टम सक्रिय हो जाती है। इसके परिणाम स्वरूप हमें बुखार, मांसपेशियों में दर्द और ठंड लगना जैसी समस्याएं होती हैं। कुछ मामलों में मरीज को एनीमिया भी हो सकता है, क्योंकि इसमें बड़ी मात्रा में रेड ब्लड सेल्स नष्ट हो जाते हैं। मलेरिया के कुछ आम लक्षण हैं जिन्हें पहचानना महत्वपूर्ण है। इनमें शामिल हैं तेज बुखार आना और ठंड लगना, सिर दर्द और बदन दर्द, अत्यधिक थकान और कमजोरी महसूस होना, कभी कभी उल्टी और दस्त भी हो सकते हैं। अगर इन लक्षणों में से कोई भी दिखे तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, क्योंकि शुरुआती इलाज से इस बीमारी को नियंत्रित किया जा सकता है। मलेरिया के इलाज के लिए कई तरह की दवाइयां उपलब्ध हैं। इनमें क्लोरोक्विन, आर्टेमिसिन कॉम्बिनेशन थेरेपी, ACT जैसी दवाइयां शामिल हैं। डॉक्टर आपकी स्थिति के अनुसार सही दवा और खुराक तय करते हैं, इसीलिए किसी भी प्रकार की खुद से दवा न लें, बल्कि हमेशा डॉक्टर की सलाह लें। अगर सही समय पर इलाज किया जाए तो मलेरिया का पूरा इलाज संभव है। दवाइयों का कोर्स पूरा करना बहुत जरूरी है ताकि संक्रमण पूरी तरह से खत्म हो सके। जैसा कहा जाता है, रोकथाम इलाज से बेहतर होता है, इसलिए मलेरिया से बचने के कुछ सरल उपाय जानना जरूरी है। रात को सोते समय मच्छरदानी का उपयोग करें। मच्छरों से बचने के लिए रिपेलेंट का इस्तेमाल करें। घर और आसपास पानी जमा न होने दें, क्योंकि रुके हुए पानी में मच्छर पनपते हैं। पूरी बांह के कपड़े पहने, खासकर सुबह और शाम के समय। तो दोस्तों, ये थे मलेरिया के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। उम्मीद है कि इस जानकारी से आपको मदद मिलेगी। याद रखें, मलेरिया से बचाव करना आसान है, बस थोड़ी सतर्कता और जागरूकता की जरूरत है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां आपको मिलती रहें। धन्यवाद।